इन द नेम ऑफ अलमाइती अल्लाह। दोस्तों मेरा नाम सहाक है और सहाक ग्राफिक की जानिब से आप लोगों की खिदमत में हूँ। दोस्तों मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है सहाक ग्राफिक, जिसमें मैं लोगो डिज़ाइन करता हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग उससे वाकिफ होंगे, अगर कुछ लोगों को पता नहीं है तो आप लोग जाके वो चैनल भी चेक कर सकते हैं। स्पेशली मैं उस पर लोगो डिज़ाइन करता हूँ, ग्राफिक बनाता हूँ और वेब बैनर, ये सब मैं उसमें एडवांस क्लासेस बनाता हूँ। दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर ने ये रिक्वेस्ट किया था, बहुत से सारे सब्सक्राइबर ने, कि आप हमें बेसिकली क्यों इलस्ट्रेटर इन फोटोशॉप के कोर्सेज स्टार्ट नहीं करते हो। तो मैंने ये फैसला किया उन्हीं सब्सक्राइबर के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरे को सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को वॉच करते, फीडबैक देते, तो उन लोगों के लिए मैं अभी मैंने ऑलरेडी इलस्ट्रेटर पे कुछ वीडियोस बनाए हैं बेसिकली फ्रॉम द फॉर बिगिनर्स। अभी मैं ये फोटोशॉप में ये कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ कि फोटोशॉप में आप जो बिल्कुल बिगिनर है, कैसे फोटोशॉप इंटरफेस से स्टार्ट कुछ एडवांस टिप तक, मैं सब आप लोगों को इस कोर्स में इंशाल्लाह डिस्कवर करूँगा। तो होप आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, तो ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप CC 2015.5 मेरे पास है, मैं इसको सिखाऊंगा। ये ऑलमोस्ट ये अपडेटेड है फॉर वो है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इलस्ट्रेटर CC 2015.5। जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं वो टिप बताऊंगा कि आप लोग किसी भी फोटोशॉप में उसको यूज़ कर सकते हैं। वो जनरल टिप है, किसी भी फीचर में वो चेंज नहीं हो सकते। वो टिप मैं आप लोगों के इन बताऊंगा कि आप लोग किसी डिज़ाइन को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं, सब मैं बताऊंगा। वो आप किसी भी फोटोशॉप के वर्जन में उसको यूज़ कर सकते हैं। बीच बीच में जो फीचर है, जो नया फीचर आया है इसमें, जो ओल्ड फोटोशॉप में नहीं है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन बेसिकली जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ वे नॉर्मली सब फोटोशॉप में अवेलेबल होता है। तो फोटोशॉप को ओपन करने के बाद दोस्तों, जो विंडोज़, जो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने है वो शायद दूसरे फोटोशॉप में डिफरेंट तरह होता है या होता भी नहीं है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। बेसिकली हमारे पास जो रिसेंट फाइल है, जो मैंने रिसेंटली उस प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो यहाँ पे दिखाता है। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के बाद प्रीसेट्स है, जो ऑलरेडी हमारे पास ये प्रीसेट है। अगर हमको इस प्रीसेट में से कोई मैच होता है, हम डायरेक्टली यहाँ से उसको पिक करके ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से ओके सेम विंडोज़ पे वापस आया, तो यहाँ से हम वही पिक कर सकते हैं जो हमें ऑलरेडी मैच होता है। अगर हमें ओके इससे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो स्पेशली हम जो मिडलिस्ट के लोग हैं यहाँ पे, कैसे हम फोटोशॉप में फॉर एग्जांपल उर्दू, हिंदी, पश्तो, फारसी, दरी, वो कैसे टैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस पर जंप करते, इस विंडोज़ में से हम डायरेक्टली जाते एडिट में, एडिट में से रेफरेंस में हमें कुछ काम करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम इंटरफेस में जाते, आई एम सॉरी, इंटरफेस में बेसिकली मुझे ये इंटरफेस बहुत पसंद है क्योंकि ये आंखों के साथ नॉर्मल है। आप लोग ये इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस इंटरफेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि इसका जो ब्राइटनेस है वो आंखों को थोड़ा सा, स्पेशली मेरी आंखों को थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग यहाँ से कोई भी इंटरफेस, फोटोशॉप का इंटरफेस आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। बेसिकली
लोग फोटोशॉप में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको ये भी पता नहीं होता है कि वो लोग कैसे अपने फोटोशॉप का जो इंटरफेस है उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग इस क्लास में सिर्फ इतना ही सीखेगा कि इसका जो ये इंटरफेस है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है टाइप टूल। स्पेशली जो उर्दू लिखना चाहते हैं, जो हिंदी लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं डायरेक्टली। हम फोटोशॉप में उर्दू कैसे लिखते हैं, टाइप टूल पे आया मैं। टाइप टूल में यहाँ से बेसिकली ये सिलेक्ट होता है, जो हम पहली बार आता है तो ये सिलेक्ट होता है एस्थिशियन, तो हम उसको चेंज करते हैं मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशियन। इस ऑप्शन ऑप्शन को हम चेंज करने के बाद इसको ओके कर देते हैं, बस इतना ही। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, अभी यहाँ से टेप टूल में से जो सेकंड सेकंड ऑप्शन है टेप टूल में जाके यहाँ से लैंग्वेज ऑप्शन में से हम ये मिडिल ईस्ट फीचर ये ऑन करते हैं। अगर इसको ऑन नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं लिख सकते। ओके, मैंने ये लिखा, अभी वो तो हो गया काम। इसके बाद हम यहाँ से अपने ओल्ड प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट और न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इस पे हम अभी बहस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टेप होता है यहाँ पे। आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वेब के लिए चाहिए, मोबाइल एंड डिवाइस के लिए चाहिए, मोबाइल और ऐप्स और डिवाइस, वीडियो के लिए, कुछ भी आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ए फोर पेपर और इंटरनेशनल पेपर, ये सब यहाँ से। ओके, इसको हम अपने लिए कस्टम यहाँ पे बनाते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम नाम देते हैं उसके लिए ट्यूटोरियल, एंड साइज तो यहाँ पे से ओके लेटर साइज में हम लेते हैं। यहाँ से हम जो डॉक्यूमेंट अगर हम वेब के लिए बनाते हैं, स्पेशली वेब के लिए हम पिक्सल यूज़ करते हैं, तो पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, कुछ भी आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं एचडी में बनाना चाहता हूँ कुछ, फुल एचडी में, कोई यूट्यूब के लिए मैं थंबनेल बनाता हूँ, तो यहाँ पे हम 19 1920 बाई 12 1080, ये मैंने HD साइज लिया, 300 रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन दोस्तों जैसे हम अगर हम कुछ बिलबोर्ड बनाना चाहते हैं उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो हम इसको 72 में रखते हैं। अगर हम कोई फोटो एडिट करते हैं तो उसको, अगर कोई स्मॉल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके लिए हम 300 रेजोल्यूशन रखते हैं। उसके बाद कलर RGB, बाकी सब ठीक है। वाइट बेसिकली आप लोगों ने इतना ही आप लोग इतना ही ओके आप लोग इतना ही इसके इसके एडवांस में हम नहीं जाते, तो बेसिकली इतना ठीक है। उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते जो HD साइज में हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया दोस्तों। अभी हम यहाँ से अगर हमारे पास उर्दू हो और कोई भी एशियन लैंग्वेज हो, मैं पश्तो लेता हूँ, तो यहाँ से हम पश्तो, देखिए दोस्तों पश्तो हम बिल्कुल टेप कर सकते हैं। अगर वो फीचर नहीं हो तो हम पश्तो टेप नहीं कर सकते दोस्तों। तो उसको एक्टिव करने के बाद हम अभी पश्तो बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें। इसी तरह पश्तो, उर्दू, इंग्लिश, इंग्लिश तो ऑलरेडी है, सॉरी, पश्तो, उर्दू, हिंदी, दरी, फारसी, कुछ भी हम अभी डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो इसका हर लेटर हमें सेपरेट सेपरेट लिखता है, जो ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो इंटरफेस का ट्यूटोरियल था, मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी होगा। आपने सीखा कि हम इसका जो कलर कैसे अपने इंटरफेस का कलर कैसे चेंज कर सकते, हम उसमें अपनी एशियन लैंग्वेज कैसे टैप कर सकते। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम टूल्स पे एंड मीनू बार, प्रॉपर्टी बार,
यहाँ पे विंडोज सब पे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको डिस्कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।